स्ट्रीट 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मजदूरी दर निर्धारण का एक मॉडल सामूहिक सौदाकारी या जिसे हम द्विपक्षीय एकाधिकार मॉडल भी कह सकते हैं, वेज डिटर्मिनेशन अंडर बिलेटरल मोनोपोली, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार, ठीक है, सामूहिक सौदाकारी या द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब क्या हो गया कि जब क्रेता और विक्रेता, ठीक है, देखो मजदूरी दर जो है उसका संबंध किससे है, श्रम से, उत्पादन का एक साधन है श्रम, तो श्रम को खरीदने वाला भी एक जना है, बेचने वाला भी जब एक होता है, ठीक है, एक का मतलब समूह भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम श्रमिक संघ कहते हैं। तो जब क्रेता और विक्रेता क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है, श्रमिक को खरीदने वाला जो क्रेता है वो भी एक है, बेचने वाला विक्रेता जो है जिसको हम श्रमिक संघ कह सकते हैं वो भी एक ही होता है। तो दोनों तरफ क्रेता और विक्रेता अगर एक ही होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय एकाधिकार, ठीक है। और जब दोनों स्थितियों में क्रेता और विक्रेता अगर एक ही होता है, द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने समझ लिया है कि द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब क्या हो गया, दोनों क्रेता और विक्रेता पक्ष में एकाधिकार की स्थिति है, ठीक है, जो क्रेता है, जो नियोजक है, एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो उद्योगपति हो सकता है या फिर इनका फर्म जो है उनका समूह हो सकता है, ठीक है, क्रेता वो भी एक है और जो विक्रेता है, ठीक है, जो हम फर्म की बात करते हैं या उद्योग की बात करते हैं, तो उद्योगों में जो श्रमिक संगठन पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक तरह से उसका विक्रेता होता है। तो जब दोनों तरफ एक ही क्रेता और विक्रेता है तो उसको हम कहते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। और इस स्थिति में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मजदूरी दर का जैसे सामान्य जो सिद्धांत है, मांग और पूर्ति सिद्धांत है, वो क्या कहता है, जहाँ पे श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में जो मजदूरी दर का निर्धारण होगा वो कहाँ पे होगा, मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मजदूरी दर का निर्धारण कितना हुआ, ओ से लेकर डब्ल्यू, तो एक सामान्य विश्लेषण की अगर हम बात करते हैं तो मांग और पूर्ति के आधार पर एक निश्चित मजदूरी दर क्या होगी, एक विशिष्ट मजदूरी दर क्या होगी, वो हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में एक विशिष्ट मजदूरी दर कितनी होगी, एक निश्चित मजदूरी दर कितनी होगी, उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उस मजदूरी दर का निर्धारण नहीं किया जा सकता है जिस पर निश्चितता या सहमति बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति में मजदूरी का जो निर्धारण है वो केवल दो सीमाओं को ही स्पष्ट करता है, ठीक है, दो सीमा मतलब जो श्रमिक संघ है वो अधिकतम मजदूरी की कितनी मांग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी उच्चतम सीमा क्या है, और जो काम पे लगाने वाले उद्योगपति हैं, उत्पादक कह सकते हैं या उनको हम नियोक्ता कह सकते हैं, वो न्यूनतम कितनी मजदूरी देना चाहते हैं, मतलब निम्नतम सीमा और ऊपरी सीमा, इन दोनों के मध्य में मजदूरी दर कितनी होगी उसके बारे में बताता है द्विपक्षीय एकाधिकार मॉडल, ठीक है। यहाँ ये किसके ऊपर निर्भर करता है, दोनों पक्षों की सामूहिक सौदाकारी, ठीक है, वो कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या हो गया, द्विपक्षीय एकाधिकार या सामूहिक सौदाकारी मॉडल जो है वो मजदूरी की ऊपरी और निम्नतम सीमा, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम सीमा को प्रकट करती है। मजदूरी दर जो है वो न्यूनतम सीमा के पास में होगी, उसके आसपास, ठीक है, या उच्चतम सीमा के आसपास होगी, यह जो श्रमिक संगठन है और दूसरा जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता या जिसको हम उत्पादक या उद्योगपति कह सकते हैं, ठीक है, इन दोनों की आपसी सौदाकारी शक्तियां कितनी हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक निश्चित मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, मतलब इस मॉडल के अनुसार मजदूरी दर जो होती है वो अनिर्धारणी होती है, ठीक है। बस ये क्या बताता है कि मजदूरी की उच्चतम सीमा क्या होगी और न्यूनतम सीमा कितनी होगी, माना कि ये है जैसे 500 रुपये है न्यूनतम सीमा है, ये 1000 रुपये अधिकतम सीमा है, तो मजदूरी दर जो होगी वो इनके बीच में होगी, इनके बीच में कितनी होगी उसका निर्धारण निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है। जो भी श्रमिक संगठन है, उत्पादक और उद्योगपति हैं, उनके आपसी
मतलब कितनी बार्गेनिंग होती है उनमें, आपसी सौदा करने की कितनी क्षमता है, कहने का मतलब इस 500 और इस 1000 के बीच में मजदूरी दर होगी कितनी होगी, उसका निर्धारण करना एक तरह से कठिन होता है, निर्धारणी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए, जो सामूहिक सौदा करे के हम बात कर रहे हैं, द्विपक्षीय के हम द्विपक्षीय एकाधिकारी के बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मजदूरी दर का निर्धारण है वो जो श्रमिक संगठन है उसके व्यवहार से संबंधित होता है। मतलब श्रमिक संगठन जो हैं उनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो कौन सी नीति अपनाना चाहते हैं, मतलब कि श्रमिक संघ क्या चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है। वो चाहता है कि अपने जो सदस्य श्रमिक हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम पर लगाए, मतलब उन संख्या को अधिकतम करना चाहता है, ठीक है, एक उद्देश्य ये हो सकता है। दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि वो लोगों को जो काम पे लगा रहा है, लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार को वो ध्यान में नहीं रख के वो क्या निर्धारित कर दे कि नहीं, हमको जो मजदूरी मिल रही है वो अधिकतम होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो संभावित स्तर हो सकता है मजदूरी का वो निर्धारित करना है, ठीक है। तो श्रमिक संघ का उद्देश्य क्या है इसके ऊपर निर्भर करता है कि वह अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार देना चाहता है, या फिर अधिकतम मजदूरी जो है उसको देना चाहता है, या फिर मजदूरी दर और रोजगार का जो एक अनुकूलतम संयोग की हम बात करते हैं, ठीक है, उसको, मतलब श्रमिक संगठन जो है उसका उद्देश्य क्या है इन तीनों में से, ठीक है, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि जो मजदूरी दर होगी वो कितनी होगी। अब देखिए, इस स्थिति को समझने के लिए हम एक रेखा चित्र ले लेते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हम समझेंगे कि मजदूरी दर का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि श्रम बाजार में जैसे एकाधिकार की स्थिति है, ठीक है, और श्रम बाजार में अगर एकाधिकार की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, श्रमिक संगठन जो है, ठीक है, यूनियन है, उनका उदय होगा, श्रम संघ, ठीक है, ट्रेड यूनियन जो होगी वो कब होती हैं, जब श्रम बाजार में एकाधिकार की स्थिति होती है। तो इसको समझने से पहले हम ले लेते हैं कि माना कि बाजार में जैसे श्रमिक संगठन नहीं है, ठीक है, सबसे पहले हम इस स्थिति को समझ रहे हैं। इस रेखा चित्र में सबसे पहले हम मान्यता ले रहे हैं कि माना कि बाजार में जो श्रमिक संगठन है वो नहीं है, मतलब श्रम एक तरह से क्या है, असंगठित है, और श्रम अगर असंगठित हैं तो ऐसी स्थिति में वो सामूहिक सौदाकारी जो हैं, ठीक है, बार्गेनिंग की जो हम बात करते हैं वो नहीं करते हैं। अब इस रेखा चित्र में अगर हम देखते हैं तो ये जो MLC वक्र है, ठीक है, श्रम का सीमांत लागत वक्र है, MLC, या जिसको हम कह सकते हैं MFC, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, श्रम और श्रम की मजदूरी के लिए हम MW भी यूज कर सकते हैं, तो MW कह सकते हैं इसको, या MFC कह सकते हैं, या MLC कह सकते हैं, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, बढ़ता हुआ है ऊपर की ओर, मतलब अतिरिक्त श्रम को रोजगार पे लगाने के लिए अधिक मजदूरी दी जाती है, ठीक है, जबकि जो श्रम का मांग वक्र है वो नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल का है, ठीक है, जो क्या दर्शाता है, मजदूरी दर कम होने पर अधिक श्रमिकों को रोजगार पे लगाया जाएगा, ठीक है। और संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे उत्पादक का संतुलन कहाँ पे होता है, जहाँ पर सीमांत लागत और सीमांत आगम MR और MC दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर सीमांत लागत का मतलब किससे है, MW, या हम कह सकते हैं MLC, तो MLC बराबर होने चाहिए, MR का मतलब यहाँ पे क्या है, MRP है, ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि बाजार में श्रमिक संगठन नहीं है, ठीक है, एक तरह से जो उत्पादक है, उद्योगपति हैं, जो नियोक्ता हैं, वो स्वतंत्र रूप से मजदूरी का निर्धारण करता है, ठीक है। तो मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ पे होगा, जहाँ पर MLC वक्र और MRP वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हम देखते हैं, तो मजदूरी दर का जो निर्धारण है, ठीक है, ये श्रम का पूर्ति वक्र बताएगा मजदूरी दर का निर्धारण कितना हुआ, O से लेकर W मजदूरी दर का निर्धारण हुआ है, ठीक है, मतलब श्रमिकों को जो उनका मूल्य दिया जा रहा है वो उनकी सीमांत उत्पादकता से कम होता है, मतलब श्रमिकों का एक तरह से शोषण होता है इतना, ठीक है। ये स्थिति है कि जब उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, श्रमिक संगठन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी जो होगी वो कितनी होगी, O से लेकर W 0 तक होती है।
अब हम मान लेते हैं कि माना कि जो श्रम है ठीक है वो अपने आप को एक तरह से संगठित कर लेते हैं, ठीक है, श्रमिक संगठन बना लेते हैं, और श्रमिक संगठन बनाने के बाद में वो संगठन जो है अपनी न्यूनतम मजदूरी जो है वो कितनी निर्धारित करता है, माना कि W1 निर्धारित कर देता है, ठीक है। श्रमिक संगठन बन गया है और उन्होंने अपनी जो न्यूनतम मजदूरी है वो कितनी निर्धारित कर दी है, W1, मतलब इस W1 से कम मजदूरी है तो वो काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो हमारा W1 वक्र बन गया है, ठीक है, X अक्ष के हम इसको समानांतर बना सकते हैं, तो वो फर्म का एक तरह से MLC वक्र हो जाएगा, ठीक है। MLC वक्र कह सकते हैं या इसको हम MFC वक्र कह सकते हैं, और ये हमारा जो है MRP वक्र है, ठीक है। और इस बिंदु माना कि इसको हमने नाम दे दिया ए बिंदु, ठीक है, ये संतुलन की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में W1 जो मजदूरी दी जाएगी, ठीक है, इतनी, उस पर रोजगार का स्तर कितना होगा, O से लेकर L2 होगा, ठीक है। श्रमिक संगठन बन गया है, उन्होंने मजदूरी की कितनी मांग की, W1, ठीक है, और ऐसी स्थिति में W1 मजदूरी का निर्धारण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में श्रम का जो शोषण है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता है तो वहाँ पर मजदूरी दर का निर्धारण कितना होता है, जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एक तरह से मजदूरी दर कौन सी होगी, पूर्ण प्रतिस्पर्धी मजदूरी दर होगी, ठीक है, जहाँ पर एक तरह से शोषण समाप्त हो गया है, ठीक है। कब, जब मजदूर दर कितनी है, O से लेकर W1। अब देखिए, यदि जो श्रमिक संगठन है अगर वो O से लेकर जो W1 है से ज्यादा, माना कि OW2, ठीक है, इतनी मजदूरी की अगर वो मांग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो MLC वक्र है, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं MW वक्र भी कह सकते हैं, ठीक है, वो बन जाता है हमारा ये W2, ये वाली लाइन जो लाइन है वो एक तरह से उसका MLC वक्र बन गया है, ठीक है। और नया जो साम्य है वो कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, इस जगह, मतलब जब मजदूरी दर बढ़कर W1 से W2 कर दी जाती है तो नया संतुलन हमारा इस बिंदु पर स्थापित हो गया है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में रोजगार की जो मात्रा वो कितनी निर्धारित हुई, O से लेकर L1 तक। अब हम मान लेते हैं कि जो श्रमिक संगठन है, ठीक है, अगर वो रोजगार प्रभावों की उपेक्षा कर देता है तो अपनी जो अधिकतम मजदूरी है वो कितनी निर्धारित कर सकता है, कितना दबाव बना सकता है, W3 तक इतना, ठीक है। और H बिंदु जो है वहाँ पर दोनों बराबर है, ठीक है, ये हमारा MRP वक्र है और ये हमारा MFC वक्र हो जाएगा, ठीक है, जब उसने श्रमिक संगठन ने मजदूरी कितनी निर्धारित कर दी, W3 तक। ऐसी स्थिति में H बिंदु जो है वो संतुलन का बिंदु होगा और रोजगार की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, OL0। इसका मतलब क्या हो गया कि श्रमिक संगठन आने से रोजगार की जो मात्रा पहले कितनी थी, OL0 थी, ठीक है, और मजदूरी दर कितनी थी, W0। अब श्रमिक संगठन ने अपने दबाव से मजदूरी दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है, O से लेकर W3 तक कर दिया है, जबकि श्रम की जो पूर्ति है, ठीक है, जो श्रमिक रोजगार पे लगे हैं उसकी मात्रा कितनी है, O से लेकर L0 तक ही है, ठीक है। तो श्रमिक संगठन ने रोजगार को प्रभावित किए बिना मजदूरी की जो अधिकतम है वो कितनी कर सकता है, वो W3 कर सकता है, ठीक है। लेकिन माना कि अगर हम ऐसा मान लें कि जो श्रमिक संगठन है, ठीक है, अगर वो मजदूरी दर को W3 से भी और ऊंचा अगर कर दें, ठीक है, तो W3 से ऊंचा करने पर क्या होगा, मजदूरी तो बढ़ जाएगी, माना कि इतनी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन रोजगार का जो स्तर है वो क्या होगा, एक तरह से घट जाएगा, ठीक है। रोजगार स्तर घटने का मतलब जो श्रमिक संगठन के सदस्य श्रमिक हैं, ठीक है, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, मतलब वो बेरोजगार हो जाएंगे, और जब वो बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो श्रमिक संगठन है, जो ट्रेड यूनियन है, उसको खतरा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिति में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अधिकतम मजदूरी कितनी होगी, W3, और न्यूनतम मजदूरी जो होगी वो कितनी होगी, W0, मतलब मजदूरी दर का जो निर्धारण है वो W3 और W0 इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा हम ले लेते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है,
द्विपक्षीय एकाधिकार है, ठीक है। पिछले हमने रेखाचित्र में हमने क्या लिया था कि श्रम बाजार में अगर एकाधिकार की स्थिति है तो न्यूनतम और अधिकतम मजदूरी कितनी होगी, ठीक है। लेकिन जब हम द्विपक्षीय एकाधिकार मॉडल की विवेचना करना चाहते हैं, ठीक है, दोनों तरफ एकाधिकार की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में हम सीमांत आय वक्र बना लेते हैं, MR वक्र बना लेते हैं, ठीक है। MR वक्र से हमको क्या पता चलेगा कि जब अधिक श्रमिक को रोजगार पर लगाया जाता है तो उससे जो श्रमिक संगठन है उसको कितनी एक्स्ट्रा इनकम होती है, कितनी उनको अतिरिक्त आय मिलती है, ठीक है। अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार पे लगाने से श्रमिक संगठन को कितनी अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है उसको हम MR वक्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा MFC वक्र है, ठीक है। MLC वक्र भी कह सकते हैं उसको, MLC, MFC या MW वक्र। और ये श्रम का पूर्ति वक्र है, ठीक है, जो मजदूरी को दर्शाता है। ये श्रम का मांग वक्र है, ठीक है, MRP वक्र इसको हम कह सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि माना कि जो क्रेता एक अधिकारी है, ठीक है, अगर उसको जो नियोक्ता की हम बात कर रहे हैं, जो रोजगार देने वाला है, ठीक है, उसको अगर हम स्वतंत्र छोड़ दें, तो स्वतंत्र छोड़ दें तो इस स्थिति में मजदूरी दर जो होगी वो कितनी होगी, W0 स्तर पर होगी, ठीक है। क्योंकि इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो ये है MRP और ये है MFC, दोनों बराबर कहाँ पे हैं, इस जगह हैं, ठीक है। तो ये संतुलन किसी मतलब रोजगार का जो स्तर होगा वो कितना होगा, O से लेकर L तक होगा, ठीक है। और मजदूरी कितनी होगी, O से लेकर W0 तक होगी, ठीक है। यदि हम जो नियोक्ता उत्पादक है, जो उद्योगपति है, जो लोगों को रोजगार देता है, ठीक है, उसको हमने स्वतंत्र छोड़ दिया तो मजदूरी कितनी होगी, OW0, ठीक है। और रोजगार का स्तर कितना होगा, OL। अब हम मान लेते हैं कि श्रमिक संगठन जो है उसका प्रवेश हो जाता है, ठीक है, और श्रमिक संगठन जो है वो अपनी आय को अधिकतम करना चाहता है, ठीक है। श्रमिक संगठन क्या उद्देश्य लिए बाजार में आया है कि अपनी आय को अधिकतम करना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो OW4, ठीक है, जो हमने पिछले रेखाचित्र में पढ़ा था, इतनी मजदूरी के लिए दबाव बनाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में रोजगार का जो स्तर है वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाता है, कितना, O से लेकर L1 तक ही हो जाता है। मतलब अधिकतम मजदूरी का स्तर कितना हो सकता है, O से लेकर W4 तक हो सकता है, ठीक है। अगर श्रमिक संगठन अपना दबाव बना के मजदूरी दर को बढ़ाने में कितना सफल हो सकता है, W4 तक सफल हो सकता है, और रोजगार की मात्रा कितनी होगी, OL1। अब मजदूरी में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है, मतलब इस मजदूरी का जो निर्धारण वो कितना होगा, इस सीमाओं के भीतर ही होता है, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले रेखाचित्र में देखा था। अब देखिए मजदूरी कितनी बढ़ेगी वो किसके ऊपर निर्भर करती है, कि जो दोनों की आपसी सामूहिक सौदाकारी शक्ति कितनी है, ठीक है, जो श्रमिक संगठन है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, या फिर जो नियोक्ता जो रोजगार देने वाला है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, उनके ऊपर आपसी सामूहिक सौदाकारी की शक्ति कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो श्रमिक संगठन है, ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं हमको मजदूरी दर W4 ज़्यादा चाहिए और नहीं मिलेगी इतनी मजदूरी, तो इस चीज़ में हम क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। अगर वो हड़ताल करने की जो धमकी है, ठीक है, उसको देने में अगर वो सफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मजदूरी जो होगी वो कितनी होगी, इस W4 के आसपास होगी, ठीक है। लेकिन इतनी मजदूरी पर हो सकता है कि जो उत्पादक हैं, जो नियोक्ता हैं, ठीक है, वो राजी नहीं हो, ठीक है, वो सोचेगा इतना दूंगा तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो सोचता है कि नहीं मैं तो उत्पादन बंद कर दूंगा, ठीक है, या फिर वो जो संगठन उसको धमकी देता है कि आप अगर इतनी मजदूरी की मांग करते हो तो मैं जो श्रमिक हैं वो बाहर बाजार से क्रय कर लूंगा, ठीक है। अगर ऐसी धमकी देने में वो सफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मजदूरी दर इस निम्नतम सीमा W0 के आसपास होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सामूहिक सौदाकारी, ठीक है, द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत मजदूरी दर जो है वो अनिर्धारणीय है, ठीक है, मतलब इस सीमा के अंदर होगी, बस हम इतना कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि कितनी होगी, इतनी होगी या इतनी होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।